हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। ये ड्रेस हमारे 3 नंबर के कान्हा जी के लिए है। आज हम 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, जिसकी चोली मैंने पहले से रेडी कर ली है। अब हमारे जो कान्हा जी की चोली है, इसमें हमने 16 चैन है ये हमारे पास। अब 16 चैन में हमने यहाँ पे धागा चेंज कर लिया है। धागा चेंज करने के बाद यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद जहां पे हमारा फर्स्ट चैन है, इसको हम स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट चैन है, इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। इससे नेक्स्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इससे नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। 24 चैन हो गई हैं। 24 चैन होने के बाद अब हम यहाँ पे इसको स्किप चैन के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब हम यहाँ पे जैसे 3 चैन हर बार बनाते थे, अब हमने यहाँ पे 1 चैन और एक्स्ट्रा बनानी है। 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया लेना है, डबल क्रोशिया नहीं लेना है हमने। और डबल क्रोशिया को इस तरह से 2-2 करके निकालेंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेना है। हर चैन में हमने ट्रिपल क्रोशिया लेना है। अब हम जो ठाकुर जी की ड्रेस की जो फ्रिल है, उसको हम बना रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे 1 चैन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया लेना है। हर चैन में हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे स्किप चैन के साथ में इसको अटैच कर देंगे। जहां से हमने इसकी 3 चैन 4 चैन बनाई थी, वहां पे इसको हम स्किप चैन के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। इसके बाद अब हमने हर चैन में 1 हमने यहाँ पे स्किप चैन बनानी है। जैसे अब हमने इसको स्किप चैन लिया है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेते हुए जाएंगे। लूज रखना है थोड़ा सा हमने ये धागा, ज्यादा टाइट नहीं खींचना है। हर चैन में हम इस तरह से स्किप चैन इसमें बनाएंगे, धागे को लूज रखेंगे। इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन हमने इसी तरह से बनानी है। हमने यहाँ इसको स्किप चैन के साथ कंप्लीट करके अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे। धागा चेंज करते टाइम हम एक लूप बनाएंगे, जिससे हम ऐसे फंदे टाइप का बनाना है और इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। वाइट धागे को थोड़ा खींच देंगे। अब हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया लेना है और जहां से हमने इसको स्टार्ट किया है, यहाँ पे ही हम इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से 2-2 करके निकालेंगे। ये हमारा लूप टाइप का बन गया। अब हम इसको यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे। इसके अंदर हम 10 टाइम हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे इसके अंदर से। दस डबल क्रोशिया ले रहे हैं हम यहाँ पे। टेन टाइम हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया लिया। इसके बाद जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, वहीं पे हम इसको स्किप चैन के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से आएगा। फिर से हम
छह चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छह। छह चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा चैन है इसके अंदर से इसको हम दो दो करके निकालेंगे। इस तरह से हमने लूप बनाया। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, वही टेन टाइम लेने हैं हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया। हमने टेन टाइम इसमें डबल क्रोशिया लिया और अब इसको हम स्किप चैन के साथ इसको यहाँ पे ही कनेक्ट कर देंगे जहाँ से हमने इसको बनाना शुरू किया था। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अब हम फिर से छह चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः। छः चैन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और जो नेक्स्ट चैन है उसके अंदर हम इसको कनेक्ट करेंगे और ऐसे ही दो दो करके निकालेंगे हम इसको। दो दो करके निकालने के बाद इसमें फिर से हम टेन टाइम डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से जो हमारा डिजाइन है वो कुछ इस तरह से आएगा और अब इसी पैटर्न से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारे पास है ये ठाकुर जी की जो फ्रिल का है, पूरी रो को हम इसी पैटर्न से कंप्लीट करते हुए जाएंगे। इस तरह हमने यहाँ इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरी लाइन को इस तरह से, ये देखिए पूरा फ्रिल कंप्लीट है। अब जो हमारा लास्ट है इसके पास जो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो चैन बनाई थी यहाँ पे इसको हम स्किप चैन के साथ इसको अटैच करेंगे। पूरी चैन को ही स्किप चैन के साथ में यहाँ पे अटैच कर रहे हैं हम। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अब हमारी जो फ्रिल बनके जो रेडी हो गई है, इस तरह से पूरी फ्रिल बनी है, पूरे हमने जो लीफ बनाई है वो इस तरह से बनाई है। तो अब हर लीफ को हमने इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो ये बुनाई वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ आएगा और जो हमारी चैन वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया स्लिप चैन के साथ में। एक चैन बनाई, दो चैन बनाई। दो चैन बनाने के बाद जो दूसरी चैन हमने यहाँ पे जो स्टार्ट किया था बुनना, चैन है जहाँ पे, यहाँ पे हम इसको स्किप चैन स्लिप चैन के साथ में इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। धागे को थोड़ा टाइट खींच लेंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट हमारी जो लीफ है उसको भी हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, दो चैन बनानी है हमने हर उसमें, एक चैन बना ली है, दो हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा चैन वाला पार्ट है यहाँ पे हम इसको स्लिप चैन के साथ इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम हर लीफ को ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। दो दो हमने चैन बनानी है। अब जैसे तीसरी जो हमारी लीफ है उसको हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। अब जब हम कनेक्ट करेंगे इसको तो हमने स्लिप चैन लेनी है। फिर से हम दो चैन बनाएंगे, जो नेक्स्ट लीफ है उसको हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका बैक साइड हो जाएगा, इस तरह से बैक साइड आएगा इसका, और ये इसका फ्रंट साइड है। हर चैन को हम इसी तरह से कनेक्ट करते हुए जाएंगे और हमारा जो डिजाइन है वो इस तरह से आएगा और जो पूरी फ्रिल में हमने जो लीफ बनाई है इसी प्रोसेस से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो ये लास्ट रो है इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे स्लिप चैन के साथ ही, इसको यहाँ पे हम जॉइंट देंगे।
एक सिंगल चैन बनाएंगे और पीछे की तरफ ये जो हमारी चैन है इसके साथ इसको हम कनेक्ट करते हुए इस तरह से इसको हम जोड़ देंगे। अब ये जो डिजाइन है हमारे ठाकुर जी की ड्रेस का फ्लावर वाला, एकदम जैसे बार्बी डॉल का होता है, बार्बी डॉल जैसा एकदम से डिजाइन बन के आ गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बैक साइड इस तरह का है और इसकी जो बाहर वाली फ्रिल है एकदम से बहुत ही सुंदर है। अब हम इसकी लीफ बनाएंगे, तो लीफ हमने पूरे में नहीं बनानी है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ठाकुर जी के 5 या 6 हम लीफ बनाएंगे, तो लीफ बनाने के लिए जो हमने ये यहाँ पे जो दो दो चैन जो हमने लिए इसी के अंदर हम लीफ बनाएंगे, और लीफ हम बनाएंगे व्हाइट धागे की में लीफ बनाएंगे। और लीफ इसमें हम देखेंगे कि पूरी ड्रेस में जो लीफ की जो डिजाइन है वो हम 5 बार लेंगे। 5 लीफ हमने इसमें बनानी है, मतलब 5 लीफ का जोड़ा बनाना है। तो हमने यहाँ पे अब 2 चैन बनाई। 2 चैन बनाने के बाद जो हमारी जो चैन हमने जहाँ पे इसको कनेक्ट किया है वहां पे हम इसको कनेक्ट करेंगे, स्लिप चैन के साथ ही इसको हम कनेक्ट करेंगे। एक लूप और बनाएंगे हम 3 चैन का, और उसको भी हम इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे पहले सिंगल चैन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया लेना है एक हमने, फिर अब हमने इसमें लेने हैं 6 डबल क्रोशिया लेने हैं। लेने के बाद यहाँ पे हम 3 सिंगल चैन बनाएंगे, 1, 2 और 3। सिंगल चैन बनाने के बाद जहां से हमने इसको शुरू किया चैन बनाना वहां पे हम इसको दोबारा से वापस यहाँ पे स्लिप चैन से इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर से हमने इसी लूप में 6 डबल क्रोशिया और लेने हैं। लेने के बाद हमारी लीफ की शेप बन जाएगी और इसमें हम यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया लेना है एक बार, इस तरह से एक बार में इसको खींचना है। अब जो हमारा नेक्स्ट लूप है उसमें भी हमने सेम इसी प्रोसेस से लीफ बनानी है। यहाँ पे हम सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे, सिंगल लेना है इसको, इस तरह से खींचना है इसको। अब हम 6 बार इसमें डबल क्रोशिया लेंगे। हम यहाँ पे 3 सिंगल चैन बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद। 3 सिंगल चैन लेने के बाद जहां से हमने इसको चैन बनाना शुरू किया वहीं पे इसको दोबारा से स्लिप चैन के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। फिर से इसी लूप में हमने 6 डबल क्रोशिया और लेने हैं। ने 2 लीफ बना ली हैं इसी तरह से, 2 लीफ जैसे अब हमने यहाँ बनाई, 2 लीफ हम इधर बनाएंगे। अब ये लीफ हमने थोड़ी छोटी बनाई है, तो आप अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो इजीली इसको बड़ी 8 डबल क्रोशिया कर सकते हैं। जैसे मैंने एक तरफ 6 ली हैं, दूसरी तरफ भी 6 ली हैं, तो आप इसमें 8-8 करके भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमारी जो लीफ है वो थोड़ी शेप उसकी बड़ी हो जाएगी। और इसमें ज्यादा लीफ मैं नहीं बना रही हूँ, और इसी तरह से पूरी ड्रेस को हम कम्प्लीट कर लेंगे। हमारे कान्हा जी की बार्बी डॉल लाइक ड्रेस बनके रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स जरूर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरा धन्यवाद।